हेलो एवरीवन, हम आज आपके साथ तीन वर्ड लेकर आए हैं। जो तीनों वर्ड हैं एक तरह से हमेशा कंफ्यूज किए रहते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है, तो आज हम तीनों वर्ड का मतलब आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको इस वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला वर्ड आपका है रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन है इसका मतलब ये होता है कोई भी प्लांट या एनिमल अपने जैसी स्ट्रक्चर को बना दे उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि अपने जैसी स्ट्रक्चर को तैयार करना। ठीक है, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये जो होता है रिप्रोडक्शन होता है ये मोस्टली कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें होता क्या है कि एनिमल और जो प्लांट्स होते हैं अपने जैसे बॉडी को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, दो का दूसरा है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवम का मिलना, स्पर्म प्लस ओवम का मिलना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जो मछली एनिमल में होता है अगर हम बात करें प्लांट की केस में, इसमें यह होता है कि जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं यह स्टिग्मा तक जाते हैं, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दोस्तों नेक्स्ट जो है वह है डेवलपमेंट। जानेंगे कि डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होती है। एक ऐसा प्रोसीजर है इसमें मछली जो लार्वा से एडल्ट बनने का प्रोसेस है, या लार्वा से एडल्ट बनने का प्रोसेस है, इसे बोलते हैं डेवलपमेंट। अगर आपको जुलाजी या बॉटनी में किसी भी तरह का डाउट हो तो उस समस्या को जरूर जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।